नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद अध्यात्म एवरनेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कि व्यक्ति के जीवन में सोच या उसका विचार या उसकी नजरिया कितना महत्व रखता है। क्या पूरा जीवन इन बिंदुओं पर घूरते रहता है, इसके इर्द गिर्द रहता है, उसका परिणाम भी उसी स्वरूप आता है, इस पर हम विचार करेंगे। सोच अगर आपकी अच्छी है तो आपका परिणाम अच्छा आएगा, यह तो वेद पुराण और मनुस्मृति में वर्णन किया गया है। लेकिन सोच अच्छा हो और एक सोच केवल मेरे जीवन को बदल सकता है, यह व्यक्ति इतनी गंभीरता से इस चीज को नहीं लेता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए और अच्छे जीवन लाइफ में सोच बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सोच ही जीवन का जीवन की दिशा देता है। अब देखें, हम इनको एक दो तीन उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। यह एक कहावत प्रचलित है, जिसे ध्यान पूर्वक समझें। एक कुम्हार था, वह अपना कार्य कर रहा था, अर्थात मिट्टी को गूंथ रहा था और उससे कुछ बर्तन बनाने जा रहा था। इसी बीच में उसकी पत्नी आई, बोले, भैया आप क्या बनाना चाहते हो इसका? आप इतना सुबह से लगे हो, मेहनत कर रहे हो, तो बनाना क्या चाहते हो? बोले, अरे अभी बहुत प्रचलन में है, बहुत ही लोग का डिमांड है कि हम इसका चीलम बनाएंगे। बोले, चीलम बनाओगे? हाँ, चीलम बनाएंगे और काफी बिकेगा और इससे हमको काफी धन लाभ मिलेगा। बोला, गर्मी का समय आ रहा है, मेरी बात मानो तो सुराही बनाओ। वह सुराही बनाने लगा, फिर से मिट्टी को गूंथा और सुराही का आकार देने लगा, सुराही बनाया। इसी बीच में मिट्टी सी आवाज आ रही है, कुम्हार भाई, तुमने पहले कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो। बोले, पहले मुझे मेरे मन में था कि मैं चीलम बनाऊंगा और अब विचार बदल गया, अब हमारी सोच बदल गई है, अब मैं सुराही बनाने जा रहा हूं। बोली, तुम्हारी तो सोच केवल बदली है, हमारी तो पूरी जिंदगी बदल गई। सुराही में हम भी ठंडा रहेंगे और जो हमारे संपर्क में आएगा वो भी ठंडा रहेगा, शीतल जल पिएगा और जो है जीवन का आनंद लेगा। तो इससे ये समझ में आती है बात कि केवल एक सोच से पूरी जिंदगी बदल सकती है। यकीन मानो, आपकी सोच अगर अच्छी है, अच्छे दिशा में है, तो उसका परिणाम 200% अच्छा ही आएगा। तो अपने सोच पर ध्यान दो, अपनी सोच को बदलो, अपनी नजरिया बदलो, अपनी दृष्टिकोण बदलो। मैं कहता हूं विश्वास के साथ कि पूरी जिंदगी आपकी बदल सकती है। अब दूसरे उदाहरण से समझें। एक मूर्तिकार था, वह अपने छत पे एक मूर्ति का कारखाना बनाए हुए था। पीछे से चोर आते थे और उसकी मूर्ति चुरा करके चले जाते थे। बोला, एक नुकीला पत्थर लाता हूं, जो भी चोर इस रास्ते से आएगा मैं पत्थर से उसको मार दूंगा। वह गया और नदी किनारे से एक पत्थर बरसा लाया कि आज चोर को बचने नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब वो रात भर इंतजार कर रहा था, इसी बीच में उस पत्थर से आवाज आती है कि भाई, तुम तो एक मूर्तिकार हो, शिल्पकार हो, तुम्हारे अंदर ये विचार कैसे आए कि किसी का जान ले लेंगे? तुम तो कुछ और कर सकते हो, अपनी सोच को बदलो। बोले, यार क्या करूं मैं, इसका ये पत्थर बोल रहा है कि इस पत्थर में कुछ तो करामत है, तो क्या करूं मैं। वो अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था और उनकी पत्नी जो है सो कृष्ण भक्त थी, कान्हा की भक्त थी। तो बोला, क्यों नहीं एक कृष्ण की ही मूर्ति बना करके अपने पत्नी को दे दूं। और वह
उससे एक खूबसूरत, बहुत ही हंसता हुआ बोलता हुआ मूर्ति बनाया कृष्ण भगवान का। पत्नी को वो भेंट किया, पत्नी तो गदगद हो गई, बोले जब इतना तुम कर दिए हो तो एक छोटा यहां मंदिर बना दो पत्थर से, और हम कृष्ण को उसमें बैठाना चाहते हैं, उन्हें भी तो अपना घर दें। और शिल्पकार ने एक मंदिर बना करके वहां बैठाया जो पूरे दुनिया में फेमस हुआ कृष्ण भक्ति के रूप में। तो ये केवल एक अंदर एक छोटा सा सोच, एक विचार आया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तीसरी कहावत है सोच की, इसको ध्यान से समझें। एक किसान के चार बच्चे थे, चारों बच्चे नकारा, किसान की मृत्यु अवस्था आ गई। किसान का एक चौड़ा सा खेत था, केवल उसी से उसका जीवन यापन चलता था। किसान के मन में आया कि मैं तो अब मरने जा रहा हूं, लेकिन ये चार बच्चे मेरे भटक जाएंगे, इनकी सोच अच्छी नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, इसकी संगति अच्छी नहीं है। जब संगति अच्छी नहीं होगी तो आपके सोच ही गलत होंगे। इस पे हम दूसरा वीडियो बनाया है और बना करके देंगे कि संगति से ही पूरी जिंदगी बदलती है। तो अभी हम देख रहे हैं वह किसान चारों बच्चे को बुलाया, बोला भाई मैं तो अब मरने जा रहा हूं, तुम क्या करोगे? तो कोई कुछ अपना बताया, मैं तो उसको मार करके ये ले लूंगा, मैं तो ये करके वो ले लूंगा, मैं तो अपने चाचा को भगा दूंगा, वगैरह वगैरह उनकी कहानी चलती रही। बोला देखो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बात को समझना। यह जो पीपल झाड़ के नीचे जो मेरा खेत है, बहुत चौड़ा सा बहुत बड़ा सा खेत है, उसके अंदर मैं हीरे का दो खजाना छिपा करके रखा हूं, तुम पूरा जीवन उससे चारों भाई खा सकते हो, रह सकते हो। बोले ऐसा? उसके दिमाग में वो सोच आ गई कि जरूर हम उस हीरे को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसका शर्त है कि मेरे मरने के बाद ही उसे खोदोगे तो मिलेगा, नहीं तो उसमें ऐसा श्राप है कि मेरे सिवा उसको कोई निकाल नहीं सकता जब तक मैं जीवित हूं। बोला ठीक है, इंतजार। चूंकि पल भर का मेहमान था, किसान चला गया, मर गया। चारों भाई सुबह उठे, दाह संस्कार करके आए और उस खेत में लग गए। पहले ट्रैक्टर इत्यादि नहीं था और फावड़े से उसको पूरी खुदाई कर लिया, दो बार चार बार पांच बार। बोला यार मेरा पिता तो बोल करके गया था लेकिन मिला नहीं, चलो थक हार गया और हार करके उसमें एक खूबसूरत सा बहुत अच्छा सा जो उस समय का डिमांड था फसल लगा दिया। इतनी फसल हुई कि हीरे के माफिक उसको धन प्राप्त हो गया और उसको उसके सोच में ये भावना आ गई कि हम किसान के बच्चे हैं और किसान के कार्य को करके मेहनत करके बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, यही हीरा रूपी मेरे पिता ने दे करके गया है। तो ये केवल उसके सोच अंदर डाला, और सोच डालने वाला व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कैसा सोच अंदर डाल रहा है, आपकी नजरिया कैसा बन रहा है, आपका दृष्टिकोण कैसा बदल रहा है। तो बहुत ही विश्वास के साथ जीवन में अगर कुछ करना है, जीवन को कामयाब करना है, सफल करना है, तो आपकी सोच को पहले बदलना होगा। अब चौथी और अंतिम उदाहरण है, इस चीज को समझें। राजा बिंदसार का राज्य था, वहां किसी न किसी कारण से उसके सैनिक एक व्यक्ति को बहुत ही प्रताड़ना दिया। वह व्यक्ति बहुत ही जीवन से आजीज होकर के और जंगल भाग गया और संकल्प लिया कि इस राजा का हम राज तहस नहस करके रखेंगे और 1000 लोगों का हम वध करेंगे। 99 लोगों का वध वह निरंतर करता रहा। राजा उस जंगल में जाने से रोक लगा दिए, कोई नहीं जाता था। राजा भी उस जंगल में जाता था तो पूरी सेना के साथ और कोशिश करता था कि जा ही नहीं, क्योंकि वह कभी भी बद कर सकता है मेरा भी। एक दिन एक सन्यासी उस रास्ते से गुजर रहा था, वहां राजा का सैनिक था, रोक दिया कि नहीं आप उधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि इधर उंगली मार रहता है और मैं आपको उधर नहीं जाने दूंगा, आपका बद हो जाएगा। बोला पहले तो नहीं भी जाता, जानकारी नहीं थी, अब तो मेरी जरूरत है उसको, मैं तो जाऊंगा। वह भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध का ओरा मंडल 45 मीटर तक कार्य करता था। वह धीरे धीरे बढ़े, बहुत दिन से इंतजार में वह
जो वध करने वाला था, शिकारी बैठा हुआ था, अरे चलो आज कोई मनुष्य मिला है और मैं आज उसका वध करके अपना प्रण पूरा करूंगा। तू चिल्लाया रुक जाओ। सन्यासी बोला मैं तो रुक गया, तुम कब रुकेगा? बोले अरे वाह गजब की बात है, सभी लोग थरथर करते हैं, मेरे मारने के पहले मरने की स्थिति में आ जाते हैं और ये सन्यासी डर नहीं रहा, इसके पास जरूर कोई बात है, हमें भी संभल करके इसके पास जाना होगा। सन्यासी चिल्लाया कि तुम आ जाओ, तुम रुक जा, मैं तो खड़ा हूं, तुम आ जाओ। पहुंचा वहां, बोला चलो हम मरने के लिए तैयार है, मेरा एक छोटा सा शर्त है। बोला ठीक है बोलो, मरने वाले की इच्छा पूर्ति की जाती है। बोला ये ठहनी है इसे काट दो एक बार में, छोटी सी पतली सी ठहनी थी और एक बार में वो काट दिया। बोला वाह बहुत बहादुर हो तुम, तुमसे बड़ा तो कोई है नहीं, अब इस ठहनी को फिर जहां से काटे वहीं जोड़ दो। बोला तुम पागल मुझे समझता है, यही शर्त तुमने रखा है, ये जो कट गया वो तो जुड़ नहीं सकता। बोला यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो तुम्हारी सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो तुम्हारी नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे तुम बर्बाद कर दोगे, काट दोगे, मार दोगे, वह जीवित नहीं हो पाएगा। तो तुम क्यों मारते हो? जब कोई व्यक्ति किसी का जीवन दे नहीं सकता है तो जीवन लेने का उसको अधिकार नहीं है परमात्मा के सिवा। बोला रही यार ये तो बहुत सही बात है, और वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और गिर करके उनका अनुयायी हो गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, और बुद्ध के शरण में चला गया और धीरे धीरे बुद्ध के साथ चलाया। तो ये चीज क्या है? आज एक दिन चल करके उसकी सोच केवल बदली, वह रामायण के रचयिता हो गए, वाल्मीकि गुरु हो गए। तो जो आपकी सोच है वह केवल अगर सही है तो उसका परिणाम सही आएगा, उसका दिशा सही रहेगा। जीवन भर अगर आप कोशिश करते रहेंगे, सोच आपकी अच्छी नहीं है, नजरिया अच्छी नहीं है, तो आपका परिणाम हर हमेशा गलत आएगा, आप जीवन में बर्बाद हो जाएंगे। तो किसी तरह जीवन में अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको जीवन बदलना होगा, सोच बदलना होगा, नजरिया बदलना होगा, दृष्टिकोण बदलना होगा। कहा जाता है कि छोटी सोच आप पैर की पांव की मोच जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता है, व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है, और व्यक्ति जो है सो अपने में ही सीमित होकर के रह जाता है। तो यही सोच है। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर अगले पार्ट में इसका मिलते हैं। तो अपनी सोच को बदले, अपने विचार को बदले, अपनी नजरिया को बदले और जीवन में सफलता प्राप्त करें, जीवन को आगे बढ़ाएं, आनंदित हों, जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, यह नजरिया लाए। अपने से किसी को कष्ट नहीं हो, यह नजरिया लाए। अपने का हम अपने से सहयोग कर सके, यह नजरिया लाए। दूसरे के प्रति अथाह प्रेम हो, यह नजरिया लाए। फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। दूसरा वीडियो इससे भी बहुत अच्छा होगा कि संकल्प से कैसे जीवन बदलता है। तो संकल्प के लिए पहले सोच को बदलना होगा, फिर संकल्प आएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।